खुश होते होंगे। दे आर वेरी हैप्पी कि मुझे देख के कि मैं अब स्टेबल हो गई हूँ ज़िंदगी में, और मैं वो 23 साल वाली बच्ची जो आजकल की लड़कियाँ मैं वो नहीं रही, उनके लिए मैं शायद मैच्योर हो गई हूँ। That's something to be very proud of, माशाल्लाह। अच्छा, मैं पढ़ रही थी कहीं कि आपने कहा कि आपके फादर चाह रहे थे कि आप औरतों के हकों के लिए बात करें, इसलिए वो चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप ये चीज़ आगे लेके जा सकें। जनरल स्टडीज़ भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं ये डिग्री करूँ। मैं नहीं चाहती थी। आई एम नॉट अ पढ़ाकू पर्सन। मैं बचपन से लेके अब तक सिर्फ किताबों से भागती आई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे एक्साइट नहीं करती। सिलेबस की जो होती हैं, डिग्री की जो होती हैं, वरना मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। मेरे फादर चाहते थे, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर औरत को पता होना चाहिए उसका हक क्या है, यू नो, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी को नहीं पता, एंड आई फील सो बैड उन औरतों को लेके। और मैं अभी भी मदद करती हूँ लोगों की जिनकी मैं कर सकती हूँ। जहाँ पे मुझे, मेरे अंदर, मैं बहुत ओसीडी हूँ इस बारे में। मुझे अगर लग रहा है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है या आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, आप इसको बेहतर कर सकते हो, तो मैं पहुँच जाऊँगी। वो चाहे सेट पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो हमारे नेबर्स पे हो। मेरी अम्मा इस बात से बहुत तंग है। मेरी अम्मी कहती है जो तो औरत है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जात जो औरत है, ये जो इतनी तुम फेमिनिस्ट हो, ये इसको कम करो, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि क्यों, हर किसी को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं यार। तो कभी किया है कुछ ऐसा, कोई वाकया शेयर कर सकती हैं जहाँ आपने जाके कुछ किया हो ऐसा हंगामा, या कुछ सेट पे या किसी को नेबर्स में? यार द थिंग इज़ के हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। और अभी हम शूट कर रहे थे लाहौर में। अच्छा, वो अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, वो बहुत फेमस स्टूडियो है। हम वहाँ पे शूट कर रहे थे और हमें साथ वाले घर से, क्योंकि आउटडोर शूट था तो बहुत आवाज़ें, मार कुटाई आ रहा है और बहुत बुरी अब्यूज़िव एक आवाज़ें, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं और बुरा भला किया जा रहा है। तो पता चल रहा है कि जी पिटाई हो रही है एक औरत की, और वो मार खा रही है, और वो इसलिए मार खा रही है क्योंकि उसका बंदा उस पर चीट कर रहा है। ओ, चीट भी कर रहा है और मार भी रहा है उसको। और मार भी रहा है। ये आप नहीं कर सकते, आप ये किसी औरत के साथ नहीं कर सकते। सही बात है। मैंने अपना शूट छोड़ दिया राबिया। ओके। मैं उधर पहुंच गई और शूट वाले कह रहे होंगे क्रू ने रोका नहीं कि क्या करने जा रही है क्या डायरेक्टर, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत मसले की बात है कि हर किसी को लगता है उनका मसला है। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, छोड़ दो उनका मसला है, वो खुद डील कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना किसी भी तरीके से, हमें करनी चाहिए। मैं पहुंची वहाँ पे और मैंने वो शोर शराबा किया, कॉल भी की, माशाल्लाह, और मैंने उसको पकड़वाया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये तुम नहीं कर सकती। अगर आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप खुद जालिम हैं। सही बात है, ठीक है। आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई आपको हर्ट करे। सो आई वेंट देयर, मैंने बहुत ड्रामा किया। और अच्छा, मेरा मसला ये कि मैं मसला है बस है, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बहुत शिवर करती हूँ और मेरी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना हो जाती है, यू नो, वोकल्स भारी हो जाते हैं। और टिड्डी सी बच्ची जो शुरू में तो किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया होगा। हाँ, छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी आवाज़, और मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। आप जुल्म करोगे तो आप तो सेट पे तो सब डर गए होंगे जब आप वापस आई होंगी। सेट पे तो सब की हालत काम हो गए। हाँ, उनको पता था, उन्होंने कहा अब तो इससे कोई पंगा नहीं लेना। मेरे साथ वही काम करता है जिसको मेरा पता होता है। ओके। सो लेकिन मुझे बताएं, एक्टिंग के थ्रू अब दिमाग में कुछ आता है कि ये जो अब्बा भी जो चाह रहे थे और मेरे अंदर की भी जो फेमिनिस्ट है, मैं उसको आगे लेके चलूंगी और कुछ मैं अचीव करूंगी, कोई एनजीओ बनाऊंगी या मैं कुछ? I do have plans और बहुत ज़्यादा plans हैं। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी और अगर उसने बेहतर चाहा, क्योंकि इंसान एंड पे तो होता वही है जो रब की ज़ात चाहे। मैंने, मेरे प्रॉपर प्लान्स हैं ऐसे, और इंशाल्लाह मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। बट जवाब, इसके अलावा मतलब आपने प्रैक्टिकली जाके ये चीज़ की है तो माशाल्लाह से। मैंने बहुत कुछ किया राबिया, ये बस एक। लेकिन आप सोशल मीडिया पे कभी इशूज़ पे बात करती हैं? बिकॉज ये तो देखिए आइसोलेटेड इंसिडेंट्स था ना जो आपने मुझे शेयर किया, 50 लोगों को पता होगा, बट आपके जो इतने हज़ारों लाखों फैंस हैं उनको नहीं पता। अब पता चलेगा इंशाल्लाह। तो सोशल मीडिया पे फिर आप कभी रेस करती हैं अवेयरनेस के लिए, कोई बात, कोई जिक्र करती हैं? क्योंकि वहाँ से बहुत से लोगों को, ये जो फोर्थ वेव थी, इट्स कॉल्ड मी टू फेमिनिज्म, इट्स अ फोर्थ वेव, आई एम बेसिकली मी टू। यार
उठाई आवाज़ सब सेलिब्रिटीज़ ने उठाई और वो एक उठानी भी चाहिए थी क्योंकि आप इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में. इट्स नॉट ओनली बीइंग अ सेलिब्रिटी यार, एक हर इंसान का हक बनता है, उसका राइट है जुल्म के खिलाफ बोलना. इट्स नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म, यू नो, इंसानियत के नाते. फेमिनिज्म से पहले तो एक इंसान का बेसिक हक आ जाता है किसी भी इंसान के लिए ना. ये मर्द और औरत की जात मुझे समझ नहीं आती, मर्द और औरत क्या है. मैं कहती हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाएं बस, जो हर इंसान नहीं है. यहाँ पे इंसानों के लिबादे में भी हैवान है. आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फील लाइक इट और आई रियली वांट टू से सो मच थिंग्स कि मैं सच है, मुझे लग रहा है जब आप थोड़ी इमोशनल हो रही. चलिए, आई विल टेक यू टुवर्ड्स द लाइटर साइड थोड़ा सा. ओके, मुझे बताएं पहली बार कोई फैन रिएक्शन हुआ हो, ये फैन इंटरेक्शन हुआ जिससे आपको रियलाइज हुआ कि यार लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मजा आ रहा है अब तो. मुझे अपनी जब मेरा पहला ड्रामा आया था नसीबो जली, वो प्राइसलेस मोमेंट थी मेरे लिए. ओके, आई वाज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद और रास्ते में रुके, कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप ओवर किया और गाड़ी में बैठी हुई थी मैं और वहाँ से ग्रुप जा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी ग्रुप जा रहा था. इवन कि मैं खुद तब आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड तब जब मैंने किया था प्रोजेक्ट अपना, बैठी हुई और खा पी रही हूँ और एक तानिया, आप तानिया ना, आप नसीबो जली में आती हैं. हाँ मैं वही हूँ. और वो एक शायनेस भी थी, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो कुछ मिला जुला एक सिचुएशन थे, वो एक मिला जुला इमोशंस थे. बट इट वॉज रियली गुड, बट इट फेल्ट रियली गुड कि जब आपके पास कोई आता है और आपको बताता है कि आपने अच्छा काम किया है, हम आपके फैन हैं. इट्स रियली, इट्स समथिंग एल्स. हाँ, इट्स समथिंग एल्स. अच्छा, कुछ और हुआ मज़े का इंटरेस्टिंग? मुझे याद है हम कोयटा में शूट कर रहे थे सेल्स के लिए, कोई फैशन का ब्रांड था और हम वहाँ पे गए, हमने शूट किया तो जो मेरी गाड़ी थी उसके सामने इतना बड़ा बुके. वाओ, कैन यू इमेजिन, लाइक 300 फ्लावर्स, माशाल्लाह. और वो कोई डाई हार्ट फैन ही था यार. हाँ, जिसने वो भेजा गुलाब के फूल और 300 फ्लावर्स. ये तो कभी मुझे वैसे किसी ने नहीं दिए 300 फ्लावर्स. और उस पर एक नोट था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहिएगा. हाँ, कितना खूबसूरत मैसेज है. वेरी नाइस, नथिंग चीप, नथिंग चीप, जैसी आप हैं वैसे ही रहिएगा. I really admire जो भी थे, और वो मेरे ड्राइवर को देके चले गए. Very nice. वो जो भी थे, प्लीज कभी सामने तो आए. क्या बात है कभी सामने तो आए. काफी बात हो गई, एक साल हो गया. जुबान ऐसा ना, मैसेजेस आने शुरू. वो 300 फ्लावर्स मैंने भेजे थे, पता नहीं रैंडमली ना मैसेजेस आना. अब तो वैसे भी टाइम निकल गया ना हाथ से, मौके पे चौका ही बनता है. तो अच्छा ये बताए, शादी के कितने रिश्ते आते हैं यार डीएम में आपको? आते होंगे ना, बहुत रिश्ते आते हैं, बहुत आते हैं. के मैरी मी, यूर सो ब्यूटीफुल, योर फीट्स आर सो ब्यूटीफुल. मुझे तो पता नहीं लगता कि लोगों को ऑब्सेशन क्या पाउंड से, मतलब क्या ऑब्सेशन है लोगों को, मुझे नहीं समझ आती. हाथों से, पाँव से, पाँव के बहुत, आपके पाँव बहुत प्यारे हैं, आप उनसे शादी कर लें. यार मैं तुमसे शादी कर लूं क्योंकि मेरे पाँव प्यारे हैं? मतलब तुम प्यारे हो कि नहीं, तुम इंसान कैसे हो? प्रपोजल तो अच्छा दो. हाँ, मुझे बताओ तो से.